निगेटिव ऊर्जा मतलब भूत प्रेत पिशाच इस तरह की जो शक्तियां होती हैं जब किसी शरीर पर अटैक करती हैं तो आप लाख दवा करवा डालिए, चाहे अपने देश में करवाइए चाहे विदेश जाकर के करवाइए, उससे दवा नहीं सूट करेगा। तो 84 लाख योनियों में एक प्रेत योनी भी है। हेलो दोस्तों, आलोक राज एक्स की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आप एक इंसान हैं और हम कभी कभी ऐसी अटकलियों में फंस जाते हैं, ऐसी मानसिकता में फंस जाते हैं, यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि हमारे ऊपर कुछ अचानक समस्याएं पे समस्याएं शुरू हो जाती हैं आना। कोई ना कोई आदमी बीमार रहता है, हमारा कैरियर व्यापार सब गिरने लगता है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हो सकता है कि आपके ऊपर किसी बुरी आत्मा की साया पड़ रही है, कोई आपको भूत प्रेत चुड़ैल परेशान कर रहा है? तो इसी बारे में मैं आपको लाइव बातचीत कराऊंगा लखनऊ के माता कामाख्या धाम मंदिर से, स्वामी सचिनानंद सरस्वती जी महाराज से लाइव बातचीत आपको कराऊंगा और सारी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, और अगर आप यहाँ पर नहीं हैं, कहीं देश विदेश दूर हैं जहाँ से आप नहीं आ सकते हैं और परेशानी आपको है, तो आपके परिवार का कोई भी एक सदस्य आपकी एक फ़ोटो लेकर के आ जाएगा और बाबा जी के पास जा करके आपकी वो फ़ोटो से इलाज कर देंगे। दोस्तों तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। जय माँ कामाख्या। शरीर में और दवा भी करा रहा है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल जा रहा है, बड़े बड़े डॉक्टरों से मिल रहा है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इसमें से कुछ आप सलाह दीजिए कि भगवान की भक्ति करने से क्या हमें इसका इलाज होगा या फिर डॉक्टर के पास ही जाए, क्या ऐसा? नहीं नहीं होता है, जैसे निगेटिव ऊर्जाएं हैं, निगेटिव ऊर्जा मतलब भूत प्रेत पिशाच इस तरह की जो शक्तियां होती हैं जब किसी शरीर पर अटैक करती हैं तो आप लाख दवा करवा डालिए, चाहे अपने देश में करवाइए चाहे विदेश जाकर के करवाइए, उससे दवा नहीं सूट करेगा। अब डॉक्टर लोग इस चीज को मानते नहीं, उस मतलब क्या है, जो बुरी आत्माएं जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं उनका भी तकरार होता है और उससे भी आदमी बीमार पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल है। अरे भैया इसके प्रमाण की जरूरत अगर किसी को हो तो प्रमाण बहुत जगह है, बहुत जगह प्रमाण को। जैसे क्या है, अंधविश्वास मानते हैं आज भी? नहीं तो जो उनको ज्ञान नहीं है, जो अंधविश्वास को मानते हैं कहते हैं तो उनको खुद ही ज्ञान नहीं है। जब हमारा धर्म शास्त्र वेद पुराण कहता है कि 84 लाख योनियां निर्धारित हैं, तो इस चीज को सब मान रहे हैं ना, 84 लाख योनियां हैं, सब लोग मानते हैं। तो 84 लाख योनियों में एक प्रेत योनी भी है। 84 लाख योनि में एक योनि भी है तो उसको कौन झूठा कर सकता है? तो उसी में गिनती है उसकी भी? बिल्कुल, 84 लाख में एक प्रेत योनि है। ओ। तो अब उसको कौन झूठा कर सकता है? वेद पुराण धर्म ग्रंथ की बात कौन झूठला सकता है? तो झूठलाएंगे वही जिसको ज्ञान ही नहीं है। जिसको ज्ञान ही नहीं है उसके बारे में तो वो तो कहेंगे कि सब उससे बकवास है। और जब उससे भी दिक्कत पड़ जाती है तो वो भी वही आता है? वही आते हैं, दर दर भटकते हैं, जब कहीं नहीं वो भगवान नहीं कृपा करते, फिर वो भटकते ही रहते हैं, भटकते भटकते स्वाहा। बाबा जी एक बात और जानना चाहता हूँ कि हमने सुना है आपके ही बारे में कि जैसे कोई आपके पास व्यक्ति ना आ पाए तो उसका इलाज कैसे कुछ हो सकता है? इलाज उसका होता है, हमारा जो हमने जो जीवन में अपने तपस्या किया है, 26 साल तक यही लखनऊ में महाशमशान घाट है, वैकुंठ धाम, पहले भैंसा कुंड के नाम से जाना जाता था, अब तो वैकुंठ धाम हो गया। तो 26 साल तक हमने रातें काटा हूँ जाड़ा गर्मी बरसात वहाँ पर, और उस तपस्या का से माँ प्रसन्न हुई, तभी दरबार माँ बनवाई, हमको यहाँ बैठा दिया, कभी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। तो आज भी हम उसी तपस्या के बल पर, अब जैसे मान लो मरीज अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, या कहीं अन्य देश में हो, या कहीं और ज़िले में हो, तो उसकी फोटो हमको जरूरत पड़ती है। अब जैसे ये फोटुए हैं, एक परिवार है, परिवार की फोटो है। हाँ, एक परिवार है। अब ये लोग कानपुर के हैं,
तो हमारी पूजा जब जो होती है हमारी साधना, तो उसमें हमारे पास कोई यजमान बैठता नहीं और ना हम बैठने दूं, क्योंकि हमारी पूजा रात 10 बजे शुरू होती है और 2:30 बजे रात तक चलती है। कितने बजे सर? 2:10 बजे रात से 2:30 बजे रात तक। 10 बजे रात से लेकर के 2:30 बजे रात तक? हाँ, ये डेली होता है, पर डे का नियम है। और 2:30 बजे उठ करके तब फिर मैं खाना खाने जाता हूँ। अब खाना खा करके तुरंत नींद आती नहीं, वो नींद आते आते भाई अब 4 बज गया, 3:30 बज गया। जब कितने साल चल रहा रूटीन ऐसे? अरे ये तो बहुत हो गया, बता तो रहा हूँ, कम से कम 2500 साल हो गया, ज्यादा ही हो गया। यही दिन चल रहा है, यही दिनचर्या। अब इसी दिनचर्या में देखिए, ये कैलेंडर है अक्टूबर, अक्टूबर दिखाई दे रहा, ये पूरा गोला खींचा है, पूरा गोला खींचा है। ये पूरा बुक है, महीना ये बुक, महीना मतलब कहाँ के लिए बुक? पूजा वाला कहाँ पर, ये कहीं और जाते हो? नहीं, यहीं पर माइक दरबार में। और ये फिर नवंबर पूरा बुक है, मतलब इसी दिन आप क्या है, ये दिसंबर पूरा बुक है, ये आपने पहले से ही ये बुकिंग एडवांस चल रही है, 6 महीना 5 महीना मतलब 3-4 महीना पहले एक बुकिंग है। ये बुकिंग करने के लिए आपके मन में ख्याल आया या किसी ने बताया? अरे भैया, जब हमको काम करना है तो हमको समय अगले को देना पड़ता है ना, तो इतने दिन तक तुम्हारी पूजा चलेगी, इतने दिन तुम्हारी पूजा चलेगी, इतने दिन तुम्हारी चलेगी। अभी 53 लोग वेटिंग लिस्ट में है, अभी नया कैलेंडर आएगा 2025 का, फिर बुकिंग शुरू होगी। तो अब हमको तो अब माँ की कृपा न होते तो ना, एक आदमी अगर एक रात जाग ले तो दूसरे दिन दोपहर 12 बजे सोकर उठेगा, बिल्कुल वो तो दूसरे दिन नहीं, उसका तो 3-4 दिन तक वो बैलेंस बिगड़ जाता। अब यहाँ हमारा 12 मास वही काम है। अच्छा, कभी आपको आप भक्ति करते हो, कभी आपको माता रानी ने साक्षात दर्शन दिए होंगे? ना, साक्षात नहीं दिया है, सपने में या कैसे भी? वैसे तो माई की कृपा है और अनुभव अपना कराती रहती है, मतलब एहसास ये पता की शक्ति है। बिल्कुल जो मैं बोल देता हूँ या कि मेरी जो समस्या आने वाली है हमको पहले से मालूम पड़ जाता है, सब उनकी कृपा है, उनकी कृपा है। वैसे आप बहुत ही महान है, और अब ये तो माँ की कृपा है, हम अपने को क्या कहूँ। आपकी जो पूजा है मैं सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब बता तो रहा हूँ कि अब सवेरे 10 बजे भक्त लोग देश के कोने कोने से आते हैं, अब 7 बजे रात में हम 4 बजे सोते हैं, 7 बजे के अंदर माँ जगा देती, मुझको सोने नहीं देती। उठो, नहाओ धो, फ्रेश हो और अपना पर्सनल काम है करके, चाय पानी करके फिर 10 बजे यहाँ पहुँच जाओ। 10 बजे से लेकर के बैठे बैठे अब इतने ही जगह में चुपचाप पत्थर की मूर्ति जैसे बैठे रहो। आप लोग तो पैरों फैला लेते हो, बैठते हो, इधर उधर कमर हिला डुला लिए। पूजा यहीं पे करते हो आप? नहीं, पूजा तो हमारी नीचे होती है, वो खिड़की लगी है, खिड़की, वो खिड़की है 10-15 फुट जमीन के नीचे गर्भगृह है। हाँ, तो वो नीचे है 10-15 फुट नीचे, बता तो रहा। 10-15 फुट नीचे बराबर, बाकी तो यहाँ भक्त लोगों से मिलने के लिए बैठता हूँ, जो आते हैं बेचारे दूर दूर से। बाबा जी, आपका मैं नाम जानना चाहता हूँ। हमारा नाम स्वामी ईशानानंद सरस्वती जी महाराज। स्वामी ईशानानंद सरस्वती जी महाराज। आप मूल निवासी यहीं पे हैं? आपको जन्म स्थान? जौनपुर जिला, जौनपुर उत्तर प्रदेश। यहाँ आपके बुजुर्ग थे या? हाँ, परिवार के लोग हैं, लखनऊ में हैं। और आप जन्म आपको वहीं पर हुआ? हाँ, जन्म जौनपुरे में, यहाँ हम लखनऊ में आया हूँ 1974 में। 74, उस समय आपकी उम्र कितनी थी? अब उस समय उम्र वही 15-20 के अंदर ही थी, 20 के अंदर। इस समय 65वां साल चल रहा है। आपकी उम्र की लगती नहीं वैसे? हाँ, सब माई कृपा, सब माँ की कृपा। ये अगस्त में 15-25वां 65वां शुरू हुआ।
एक बार आप सबको आशीर्वाद दीजिए जो आपको वीडियो में देख रहा है। भाई कृपा हमारे सबके ऊपर बनी रहे, जय हो माँ। और जिन जिन भक्तों को जो भी तकलीफ हो, कष्ट हो, एक बार माई दरबार में जरूर आवे, यहाँ हाजिरी लगानी पड़ती है और जो माँ के आदेश होता है वो किया जाता है, उससे लोगों का कल्याण होता है। ये इस दरबार में इंडिया टीवी वाले आ चुके हैं, जी न्यूज वाले आ चुके हैं और न्यूज नेशन वाले भी आ चुके हैं, जो आजकल पाखंड के ऊपर दिखा भी रहे बेचारे। तो यहाँ कोई पाखंड नहीं, इसलिए यहाँ मंदिर के बारे में कुछ नहीं दिखाए। तो चैनल वाले भी बराबर आते रहते हैं, हर तरह के चैनल वाले, बाकी पर्सनल चैनल वाले भी आते रहते हैं। चलिए माई कृपा करें आप। जय हो माँ, जय माता। दोस्तों आपने सुना, बाबा जी ने बताया 26 साल तक इन्होंने शमशान घाट में तपस्या किया है, अघोर मंत्र हासिल किया है। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसी समस्या से परेशान हैं तो आप ज़रूर आइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें। और अब आपका दोस्त आपसे अनुमति चाहता है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।